हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आज मैं आप सभी लोगों को एक म्यूजिक सिस्टम जो कि 7388 आईसी का बना हुआ है, इसे किस प्रकार से हम बाईपास करके इसका यूज लेंगे, इससे साउंड हम आउटपुट लेंगे। और दोस्तों, इसकी आगे वाला फ्रंट पैनल जो इसका लगा हुआ है डिस्प्ले, ये ख़राब हो चुका है पूरा। तो दोस्तों, इसका जो कनेक्शन है ये देखिए दोस्तों, ये न्यूट्रल है एंड ये फेस है। तो दोस्तों, मैं आपको पहले बैटरी से इसे लगा करके दिखा देता हूँ। दोस्तों, मैंने माइनस को माइनस एंड प्लस को प्लस में कनेक्ट कर दिया एंड मैं आपको वोल्टेजेस भी दिखा देता हूँ इसके, कि हमारी बैटरी अभी चार्ज है कि नहीं है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं हमारी बैटरी अभी 12 वोल्ट के अराउंड है, यानी हमारी बैटरी चार्ज है। एंड दोस्तों, आप देख पा रहे हैं इधर बिल्कुल भी मैं पावर को ऑन ऑफ सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी देखिए दोस्तों, डिस्प्ले या फिर लाइट इसकी नहीं आ रही है। एंड दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि इसमें क्या दिक्कत है। दोस्तों, इसका फ्रंट पैनल ख़राब है, जो कि मैंने पहले ही बताया है। एंड दोस्तों, इसे अब किस तरीके से बाईपास करके हमें चलाना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको इसे ओपन कर लेना है दोस्तों, इस तरीके से। तो दोस्तों, मैंने इसे ओपन कर लिया है। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये इधर 7388 आईसी लगी हुई है। एंड दोस्तों, ये हमारा बोर्ड, हमने अभी इसे टेस्ट किया था पहले, तो ये हमारा बोर्ड सही है। एंड दोस्तों, ये जो आगे वाला कार्ड है इसकी, ये आईसी खराब हो चुकी है। दोस्तों, ये पूरा बोर्ड ख़राब है आगे वाला। तो पीछे वाले बोर्ड को हम यूज में लेकर के इसे किस तरीके से चलाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, तब तक अभी आपने अगर हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया एंड सब्सक्राइब, चैनल में पहली बार सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी। और दोस्तों, आपको तो मैं सबसे पहले प्लग हटा देता हूँ, इससे कि हमें काम करने में आसानी हो। एंड दोस्तों, अब आपको इसे ओपन कर लेना है नट बोल्ट को, इस तरीके से दोस्तों, जैसा कि मैं ओपन कर रहा हूँ। दोस्तों, इस तरीके से आप इसे ओपन कर लीजिए। दोस्तों, मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ आपको, ये बहुत ही कम लोग बताते हैं इस तरीके से। लोग इसे फेंक देते हैं जैसे कि ख़राब होता है, या फिर ये पूरा कार्ड नया लगाते हैं। अगर ये कार्ड नहीं मिल रहा है, मैंने बहुत प्रयास किया, ये जल्दी मिलता नहीं है दोस्तों। दोस्तों, इसे बाईपास करके किस तरीके से चलाना है ऑक्स से, तो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, इसको हम साइड में कर देते हैं। एंड दोस्तों, आप इसमें देख पा रहे हैं, ये इसका बैक पैनल है, ये एंड ये फ्रंट पैनल है, सॉरी बैक पैनल है एंड वो आपका फ्रंट पैनल है। एंड दोस्तों, आप देख पा रहे हैं इसमें इधर 12 वोल्ट इनपुट होती है, ये साउंड किए हैं दोस्तों, जैसे कि आपको इसमें मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, मैं सबसे पहले प्रैक्टिकली ही करके आपको बताऊँगा, ऐसे नहीं समझाऊँगा। प्रैक्टिकली बताने में दोस्तों आपको ज़्यादा समझ में आता है, ऐसा मैं मानता हूँ। दोस्तों, मैंने इसमें कनेक्ट किया निगेटिव को निगेटिव से एंड पॉजिटिव को पॉजिटिव से। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं मैंने इसमें 12 वोल्ट बैटरी को कनेक्ट कर दिया है। एंड दोस्तों, अब मैं इसके वोल्टेजेस आपको यहाँ पे दिखा दूँ। तो दोस्तों, ये आपका ग्राउंड है, आप कहीं पर भी ग्राउंड लगा सकते हैं। एंड दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बैटरी के वोल्टेजेस यहाँ पर हमें मिल रहे हैं दोस्तों। एंड दोस्तों, अब मैं आपको इसमें किस प्रकार से इसको स्टैंड बाय से हटाना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, उसके लिए आपको चाहिए होगा एक पीस 5408 डायोड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये 5408 का डायोड है। तो दोस्तों, इसमें जो आप देख पा रहे हैं ये निगेटिव होता है एंड ये जिसमें सिल्वर पट्टी लगी ये आपका पॉजिटिव है। तो दोस्तों, आपको इस निगेटिव को, ये बैटरी का जो पॉजिटिव है यहाँ पर, आपको इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देना है दोस्तों, इस तरीके से। दोस्तों, मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया। एंड दोस्तों, अब आपको इसका पॉजिटिव जो वायर है, मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो इसका पॉजिटिव वायर है दोस्तों, मैंने निगेटिव को इसके बैटरी के पॉजिटिव में यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब इसको आपको आईसी की पिन नंबर 4 में इसे कनेक्ट करना है।
तो आपको बता दूँ ये 1 होती है, ये 2, ये 3, ये 4 नंबर पिन, ये वाली दोस्तों आपको इसमें से कनेक्ट करना है, ये दोस्तों ये 4 नंबर पिन में। तो जैसा कि मैंने इसमें बैटरी के पॉजिटिव में डायोड को कनेक्ट कर लिया है, एंड दोस्तों डायोड का जो ये पॉजिटिव वाला वायर है इसे हम ले जा करके आईसी के 4 नंबर पिन में कनेक्ट किए हैं दोस्तों। आप देख पा रहे हैं 1, 2, 3 एंड दोस्तों ये वाली 4, एंड दोस्तों मैंने इसमें 4 नंबर पिन में इस वायर को कनेक्ट करें जो कि ये आईसी को ऑन करने में काम आएगी। एंड दोस्तों आपको इसे बहुत ही सावधानी से कनेक्ट करना है, अगल बगल की कोई सी भी पिन में टच ना हो पाए। एंड दोस्तों आप देख पाएँ लास्ट के बगल में ये जो दो पॉइंट हैं दोस्तों, दो पिन्स हैं, इनको आपको आपस में शॉर्ट कर देना है इस तरीके से दोस्तों, जैसा कि मैंने शॉर्ट किया है दोस्तों, इस तरीके से आपको इसको शॉर्ट कर देना है। एंड दोस्तों अब हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसमें आइडियो इन कराएंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं इसे बैटरी से कनेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों आप देख पा रहे हैं मैंने साउंड के वायर को पहले से ही कनेक्ट कर दिया है। एंड दोस्तों अब मैं बैटरी के पॉजिटिव में कनेक्ट कर देता हूँ, एंड बैटरी के निगेटिव में कनेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं मैंने इसे इस तरीके से चला लिया है। तो दोस्तों अब मैं इसमें आइडियो कहाँ पे कनेक्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये दोनों पॉइंट को आपस में शॉर्ट कर लेना है, एंड ये दोनों पॉइंट को आपस में शॉर्ट कर देना है दोस्तों। दोस्तों किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने इसमें ये दोनों पॉइंट को एंड इन दोनों पॉइंट को आपस में शॉर्ट करे, दोस्तों ये इसी जैक के पॉइंट हैं, दोनों को मैंने आपस में शॉर्ट कर दिया है। तो दोस्तों अब हम आइडियो इन के ये जो वायर है, ये दोस्तों ये आइडियो इन का वायर है दोस्तों, तो दोस्तों इसे हम सबसे पहले कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों मैंने इसमें हैवी वायर को कनेक्ट कर लिया जिससे कि कनेक्ट करने में आसानी हो। दोस्तों ये दोनों ये हमारा लेफ्ट राइट के हैं, एंड दोस्तों ये हमारा ग्राउंड है। दोस्तों ग्राउंड हम कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ग्राउंड को मैं सिंपली यहीं पर कहीं कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर ही कनेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों आपको ग्राउंड को कहीं पर भी कनेक्ट कर देना दोस्तों इस तरीके से। एंड दोस्तों अब आपको एक पिन को इसमें कनेक्ट कर देना है दोस्तों, एंड दूसरी पिन को आपको दोस्तों इस साइड कनेक्ट कर देना है दोस्तों इस तरीके से। तो जैसा कि मैंने कनेक्ट कर दिया है, अब दोस्तों इसमें मैं आइडियो इन करा के आपको दिखाता हूँ। दोस्तों हमने इसमें कनेक्ट कर दिया है, एंड दोस्तों अब मैं इसमें ऑक्स केबल को लगा दिया हूँ मोबाइल में। एंड दोस्तों अब मैं आपको इसको ऑन करके आपको बताता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं सॉन्ग प्ले करता हूँ, एंड दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये कितनी अच्छी तरीके से काम कर रहा है दोस्तों। दोस्तों ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा काम कर रहा है दोस्तों ये। दोस्तों मैं आपको दूसरे चैनल में भी लगा के इसे दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने एक चैनल में आपको टेस्ट करा दिया, अब मैं दूसरे चैनल में भी आपको इसे लगा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख पा रहे कितनी अच्छी आवाज़ निकाल रहा है दोस्तों। अब मैं तीसरे चैनल में भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों। और मैं आपको एक बार चौथे चैनल में भी इसे लगा करके आपको इसे टेस्ट करा देता हूँ दोस्तों। दोस्तों कितनी अच्छी तरीके से काम कर रहा है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों आप भी इसे बना सकते हैं, और दोस्तों आराम से इसमें अच्छा खासा लोड साउंड का चला सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये देखिए कितनी बढ़िया आवाज़ निकाल रहा है दोस्तों साउंड। दोस्तों आप साउंड सुन पा रहे होंगे इसका, कितनी अच्छी आवाज़ निकाल रहा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों आपने देखा ये कितना अच्छी तरीके से कार्य कर रहा है दोस्तों। एंड दोस्तों मैंने इसमें कनेक्शन इस प्रकार किए हैं दोस्तों, ये जो मैंने डायोड को इस तरह से लगाया है दोस्तों, ये आपको इसमें लगाने में ये नीचे टच हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको करना क्या होगा दोस्तों, इसमें एक स्लिप डाल देना होगा दोस्तों, जिससे कि ये बॉडी में कहीं पर भी अर्थ ना करे। एंड दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी।
पसंद आए हो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करें, एंड दोस्तों ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।